मेरा नाम सुन के चौंक मत जाना, मैं आप ही के तरह एक इंसान। मेरा नाम है नाथूराम गोडसे। सही सुना आपने, नाथूराम गोडसे। मेरा खुद का कोई वजूद नहीं, मेरा नाम एक महान इंसान के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुका है। मोहनदास करमचंद गांधी। मैं उन्हीं का त्यारा हूं, मैंने ही उन पर गोली चलाई थी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। कुछ दिनों में मेरी फांसी की सजा है, इसीलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 55 से एक अलग ही लगाव रहा है मुझे हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म पढ़ने और समझने के बाद गर्व हुआ कि मैं एक हिंदू हूं। जात पात दख्यानुसी इन सभी के खिलाफ मैं हमेशा से लड़ता हुआ आया। जात पात दख्यानुसी इन सभी के खिलाफ मैं हमेशा से लड़ता हुआ आया। दादा साहेब गोखले, विवेकानंद, इन सभी को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा, लेकिन किसी को सबसे गहराई से पढ़ा तो वो गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी, मेरे बाबू। उन दिनों बहुत मानता था मैं उन्हें, बहुत। कोई भी समझदार आदमी अहिंसा के रास्ते पे आ सकता है। गांधी ने कोई नई बात नहीं कही थी। मानवता अहिंसा के साथ है, ये बात सच है। सच है ये बात, पर हिंसा कोई पाप नहीं। राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था। महाभारत में भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हिंसा हुई थी। और मुझे पूरा यकीन है किसी को कोई पछतावा नहीं हुआ होगा। नजदीकी इतिहास में शिवाजी भी गए थे, अफजल कुमार ने। राणा प्रताप, गुरु गोविंद, सब लड़े थे और सबको गर्व था अपने ऊपर। कोई गलत नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन गांधी के लिए हिंसा एक पाप था। गांधी जाने अनजाने में अहिंसा से हिंसा करने लगे थे। वो अहिंसा के प्रति इतने रूढ़िवादी हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। देश में आने वाले तमाम मुसीबतों का कारण गांधी ही थे। पिछले 32 सालों में गांधी ने सिर्फ मुसलमानों का ही साथ दिया। नहीं दिख सका। सोच लिया मैंने कि जाना होगा गांधी को, अब जाना होगा। गांधी को पता था कि सत्याग्रह की कभी हार नहीं होती। सत्याग्रह कब शुरू करना है, सत्याग्रह कब खत्म करना है, यह सिर्फ गांधी को ही मालूम था। उनकी एक बात ना मानी जाती तो गांधी अनशन करते, अनशन पर बैठ जाते थे वो। पूरा कांग्रेस, पूरा भारत सब झुक जाता था उनके सामने। सब जितनी बार वो अनशन पर बैठे सब झुक गए उनके सामने। मैं भी खुद को समझाता रहा कि गांधी के खिलाफ ना चलो, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों का परवत्य बढ़ता रहा। कराची से बंगाल तक लाखों हिंदू मारे जाने लगे, पर गांधी ने उनके लिए अनशन नहीं करा। नहीं देख पा रहा था मैं सब, जहां मेरे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे थे नहीं देख पाया। आजादी से 10 दिन पहले हमारे देश के 1/3 हिस्से को विदेश बना डाला। नेहरू जब दस्तखत कर रहे थे सब देख रहे थे, सब वहीं थे, सबने देखा, पर कोई कुछ नहीं बोला। क्या पिछले 32 सालों में यही हासिल किया था गांधी ने? देश का बंटवारा कर देना। हमारी माँ का बंटवारा कर डाला। प्रेम से मुझे नफरत होने लगी थी धीरे धीरे गांधी से। नफरत होने लगी थी मुझे उनसे। मुझे पता है मैंने क्या किया है। पूरा अतीत, पूरा वर्तमान, पूरा भविष्य सब खराब कर डाला मैंने। इसलिए मुझ पर कोई रहम मत करिएगा। कोई रहम नहीं, बिल्कुल रहम नहीं। मैंने क्या किया है मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके नजरिए में वो गलत है तो वो होगा गलत। मेरे नजरिए में नहीं है। मेरे जैसे लाखों हिंदू की नजरों में नहीं है गलत। याद रखिएगा। मैं नाथूराम गोडसे ये सीना ठोक के बोलता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं, और मुझे गर्व है कि मैं ही मोहनदास करमचंद गांधी का हत्याकारी हूं। हिंदुत्व अमर था, हिंदुत्व अमर है, हिंदुत्व अमर रहेगा।